हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल सॉरी। मैंने आपको कहा था ना कि शायद मेरे दर्द थोड़ा ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं है। मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ उस दर्द की वजह से। ये जरूर रखी रहेगी वंश की। मैं तो अपना ट्राईपॉड निकाल लेती हूँ बस। पर चलो, थोड़ी दया की भावना रखते हैं और दूसरे का भी सामान निकाल ही देते हैं। फिर ये कबाड़ वाले भैया कबाड़। हेलो 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 एवरीवन। तो यार देखो, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर देना। मेरी थोड़ी सी स्लीपिंग साइकिल में भोग लगा दो तब फैन चलाओ। तो अब बस मम्मी जा रही है भगवान जी को भोग लगाने, क्योंकि आज है मंडे, सेकंड मंडे है सावन का, तो हमारा फास्ट है। बस हम जा रहे हैं अब खाना खाने। हमारे यहाँ पराठे खाए जाते हैं, मतलब कुछ भी पक्का, पूड़ी या पराठे ऐसा कुछ खाया जाता है। तो मम्मी ने बनाया है यहाँ पे बहुत ही यम्मी वाली आलू टमाटर की सब्जी, बिना प्याज वाली, और साथ में ये दही और बूरा पराठे और हरी मिर्च, ये अब हम खाने वाले हैं। और मेरी कूलर चला लो ना, फैन ऑफ कर दो। अब मैं इसके आगे ब्लॉग नहीं करूंगी कूलर की वजह से। फैन ऑफ करो, फिर भी हमारी आएगी। आज आती है, एक एक बार सारे सब लोगों पे आएगी। हेलो, ओ नो, मेरे फोन के ऊपर ही खाना लग गया। आई एम सो सॉरी। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बिरिंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं, क्योंकि देखो 3 बज रहे हैं। मैं बस अभी मार्केट से आई हूँ, आके बस मैंने एक शावर लिया है और उसके बाद मैं खाने बैठी हूँ। यार पता बहुत अच्छा, मैं अपना फेस कवर करके ली थी, वरना मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी टी शर्ट थी हाफ स्लीव्स की, उस मतलब बाहर क्या कहना चाहती हूँ, रुको, जो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट थी उसके ऊपर तो दिखे, उसके नीचे नीचे पूरी टैनिंग हो गई है। और मतलब बहुत ही अजीब टैनिंग हुई है मुझे, खैर जाने दो। और बाहर ना वेदर ऐसा हो रहा है, ना तो बारिश हो रही, मतलब बहुत हल्का सा झरना पड़ा 5-10 मिनट के लिए, ना तो बारिश हो रही ना धूप निकल रही, अजीब सी गर्मी है। उसमें भी टैनिंग हो गई, मतलब मुझे ऐसा लगता था शायद धूप में टैनिंग होती है, पर अब पता नहीं प्रॉपर धूप में होती है कि नहीं, पर इस वाले उसमें जरूर होती है। अब चलो फटाक से मैं खा लेती हूँ खाना। आज खाने में मम्मी ने बनाए थे कढ़ी चावल, और मैंने साथ में ले लिए प्याज हरी मिर्च, और मैं फोन पे कुछ लगा के देखूंगी, मतलब कोई मूवी वगैरह, उसके बाद ही खा पाऊंगी, वरना बिल्कुल एनर्जी नहीं है यार। हेलो एवरीवन, ऐसे आप भाई साहब बारिश तो शिट। मैंने मम्मी का मोछा गेट पे सुखा लिया था, शिट 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 शिट, डांट पड़ेगी डांट पड़ेगी डांट पड़ेगी। सूखने की जगह ये तो भीग हो गया, पर आज तो लिटरली बारिश हो रही है एकदम नहाने वाली। पर अफसोस, अच्छा हुआ मैं गई नहीं, वरना इस वक्त मैं रास्ते में होती और भीग जाती। आज मुझे कहीं जाना था, कल भी मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि कल ऐसा हो गया था कि मेरे बहुत दर्द हो रहा था, दर्द अभी भी बहुत है। अब मैं जाऊंगी शाम को डेंटिस्ट पे बारिश के साथ। अब देखो अगर बारिश बंद होती है तो शाम को फिर वंश के साथ जाऊंगी। छोटू नहा रहे हो बारिश में? नहीं, बच्चे नहा रहे हैं सामने बारिश में। पर ये बारिश हो क्यों रही है यार? आज ही होनी थी, मुझे आज जाना था, और मेरी तबीयत इतनी बिगड़ती जा रही है, आई डोंट नो मुझे क्या हो गया। एक तो मेरे नए विजडम टूथ बहुत दर्द कर रहा है, मतलब कल पूरी रात में सोई नहीं हूँ, मैं आपसे बैठ के बातें करूँ। कल पूरी रात में सोई नहीं, मेरे दर्द होता रहा है पेन किलर खाने के बाद भी। सुबह 7 बजे उठ के मैंने ब्रेड खाई, उसके साथ पेन किलर खाया, फिर मैं थोड़ा ऐसी लेटी वेटी रही क्योंकि दर्द बहुत हो रहा था। रात भर नहीं सोई थी तो फिर आँख लग गई थी सुबह ऐसे 8-9 बजे करीब, फिर मैं उठी ऐसे 12 बजे। अब मैंने सोचा कि नहा धो के कुछ मैं रूटीन फॉलो करूँगी। मेरे को एक मीटिंग, मतलब किसी से मिलने जाना था एक जगह, वहाँ भी नहीं जा पाई क्योंकि बारिश जो हो रही है, पर अब क्या कर सकते, हो रही है तो इसको तो रोक नहीं सकते। अच्छा है चलो मौसम अच्छा हो जाएगा, फिर मैं सोच रही हूँ डिले नहीं करूँगी। पता है एक तो ये दिक्कत है, घर में ना एक ही स्कूटी है, तो वंश स्कूल जाता है स्कूटी से, तो मैं सोच रही हूँ कल उसको छोड़ आऊँगी, अपने किसी दोस्त के साथ चला जाएगा, तो कल मैं 11 बजे समथिंग चली जाऊँगी। शाम तक का इंतज़ार नहीं करूँगी, क्योंकि शाम को यार बारिश वारिश हो ही जाती है। और मुझे पता नहीं क्यों, कल मैं मार्केट गई थी, आके मैंने तुरंत पानी पी लिया, शायद वो हल्का सा ठंडा पानी था, मुझे ना तुरंत कोल्ड हो गया, और वो कोल्ड बढ़ता जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई।
और आज बारिश नहीं होनी चाहिए थी जब इतने दिन से नहीं हो रही थी, तो खैर जाने दो। मेरा मन कर रहा है एक पैकेट दूध लेकर आऊँ और बहुत कड़क वाली चाय बनाऊँ, क्या करूँ फिलहाल। देख तो ये आ जाता है ना, देख पर ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तुझे नहीं लग रहा? हम आए एक्चुअली चश्मा लेने, अब लाइट सीगी मुझे अब ठीक है, पर ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, सही लग रहा है उसको। हाँ तू बता कैसा लग रहा है, ये या वो ग्रे? ग्रे वाला है ना, ये थोड़ा बड़ा भी लग रहा है मुझे, बस इसका भी निकाल सकता है उस लगाने को थोड़ा। बताइए शायद तूने कह दिया तो मुझे ठीक लग रहा है, पता नहीं क्यों। पक्का कौन से वाइट की? पूछ प्योर वाइट में है क्या इनके पास? अरे तो मतलब वो शेप साइज समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ अंकल दिखाइए, पर छोटा है अंकल, ये तो बहुत छोटा है बच्चों का लग रहा है ये तो। इस वाले साइज में है आपके पास ऐसा ट्रांसपेरेंट? प्लीज अगर मिल जाए तो इसकी, रुक जाओ अभी मत लगा उसको प्लीज, मैं पहन के देखूंगी ना, मेरे चश्मे में अटका दे उसे जब तक। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, पर ये बस बहुत टीचर जैसा तो नहीं लग रहा, जैसे ये ब्लैक वाला अच्छा लगता था कलर, अगर ट्रांसपेरेंट में मिल जाए अंकल तो फिर और अच्छा है। प्रीटी कंफ्यूज्ड, सो सॉरी। अरे यार तेरे को काली बिली की बट रही है, मेरे को अपने शॉर्ट्स की बट रही है। अपने आप को दिखाना है, ऐसे पकड़ो, मैं ऐसा वाले हाथ से पकड़ती हूँ, 799 क्या करूँ, अच्छी लग रही है, लग रहा है इतने इसके लिए 800 पे करना पड़ता है, मतलब नहीं लग रहा मुझे, अगर 500 तक होता चलो फिर नहीं लग रहा था, अब वॉइस में चल रहा है मूड मारने को, मतलब मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे जितना मैंने शायद सोचा था, और फिर 800 के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। प्रिया कुर्ते अच्छे हैं सच में, नो डाउट, चलो कहाँ चलना है, ऊपर बॉयज में, पता नहीं क्या देख रहा है मेरे को, तेरे पीछे पीछे और घूमना पड़ रहा है, चल ना 149 सेल जूडियो, मैंने जितना सोचा था जूडियो उतना ही मजेदार। पागल है क्या, इरेजर मंगा लेना, इरेजर नहीं आती, आती है वो, पैसे दे चल बिल करा, पर इसे बदतमीजी कर वो भी, कौन है बिल पे, कहाँ जा रहा है ये, हमने घर की छत पे है, मुझसे चिल्ला रहा है पकड़, चल नाइकी की आजा, नाइकी कम कम फॉलो मी, फॉलो मी,
इस बार मैं तुझे बर्थडे गिफ्ट में पता है वो रक्षाबंधन में पता है क्या देने वाली हूँ? मेरे पास है बहुत सारे स्मेल सेंस। चल कॉफी खुशबू नहीं आ रही। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। ये तो मुझे नहीं पता, कभी ट्राई कर सकता है तू। मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है जो सामान में सोच कर। वंशी बंद हो गया क्या? नहीं पहले तो ऊपर भी शायद बोर्ड बोर्ड लगा हुआ था ना। हम लोग आए थे यार एक्चुअली वी मार्ट भी चेकआउट करने के लिए कि यहाँ शॉर्ट्स मिल जाए, पर यहाँ मिल रहे हैं कुछ इस टाइप के। ये अच्छे तो लग रहे हैं मुझे और वंश को, पर वही दिक्कत है कि वो सारे कपड़ों के साथ नहीं जाएंगे। लेट के वेट के नहीं, कैमरा है यहाँ, लेट के नहीं। अरे बदतमीजी, और ये क्या कर रहे हैं सब? उसको ऊपर रख दे ना, उसको भी ऊपर रख दे। इस पर लेट के इसने फोटो खिंचाया है, हद की सीमा करता है तू। चलो चलो ये पकड़े। चलो यार हमें तो मिला नहीं जो हम चाहते हैं। वंश मुझे वो क्यों नहीं मिलता जो बच्चे आपके पास? ऐसा नहीं है, इससे बहुत अलग आपके पास कलर है ना। तो कलर से क्या टी शर्ट क्या आओ बच्चों के कपड़े देखने जा रहा है। कौन बच्चा है ये? बहुत वो करता है मुझे यार ये फालतू। वंश मैं तेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हूँ? चल चल जल्दी। हाँ वाओ कितने कूल वॉलपेपर लगा दिए यार वी मार्ट ने। मैं आई हूँ शायद एक जन्म बाद, मुझे ऐसा लगता है। कितना छोटा देख वाटर कूल। चाहिए डेनिम के शॉर्ट्स, मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, इसलिए मिल ही नहीं रहे हैं पता नहीं क्यों।